दोस्तों आदि पुरुष फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने सबसे घटिया चीज जिंदगी में देख लिया है, लेकिन मुझे क्या पता जोया अख्तर मुझे गलत प्रूफ करने के लिए तब हर चीज बना रही थी। जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इस साल की सबसे खराब चीज देख ली, तब जोया अख्तर ने प्रूफ कर दिया बुरे से भी बुरा चीज हो सकता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लो। ये कहानी है, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। कुछ वैसा ही हालत है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे गानों के बीच एक कहानी जबरदस्ती घुसाया गया है। दोस्तों अगर आपने शिकागो, माय फेयर लेडी, ग्रीस, हॉलीडे इन जैसी विंटेज हॉलीवुड फिल्में देखी है तो आपको टिपिकल ओल्ड म्यूजिकल ड्रामा फिल्मों का स्टाइल ही पता होगा। वही स्टाइल यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश की गई है लेकिन हो नहीं पाई है। हालांकि इस फिल्म को म्यूजिकल कॉमेडी बोला गया है लेकिन इसमें ज्यादा कॉमेडी है नहीं, ड्रामा है, तो आप इसको म्यूजिकल ड्रामा कह सकते हो। आर्ची कॉमिक्स के ऊपर ये फिल्म बनाया गया है, अगर बनाया ही है तो ढंग से तो बनाए थे। आजादी के बाद एंग्लो इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ इंग्लैंड लौट गए लेकिन उनमें से कुछ इंडिया को अपना मानते हुए इंडिया में ही बस गए। एक काल्पनिक शहर रिविजन सिटी के ग्रीन पार्क में वो कॉलोनी बनाकर रहने लगे। वहाँ का एक बिल्डर पुराने घरों को तोड़कर पेड़ों को काटकर वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं। अब आर्ची कैसे उस ग्रीन पार्क को बचाते हैं, ये कहानी गानों के बीच बीच में आती रहती है। हालांकि इस फिल्म में पॉजिटिव्स बहुत कम है लेकिन एक्टिंग डेफिनेटली इज वन ऑफ द पॉजिटिव्स इन दिस फिल्म, और उसमें खुशी कपूर और अगस्ता नंदा की बात जरूर होगी। बेशक मैकनल, ग्रैंडफादर, बिग बी और अंकल अभिषेक बच्चन की तरह हाई तो उनके पास नहीं है लेकिन एक्टिंग टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। दे गॉट इन टू देयर कैरेक्टर्स वेरी इजिली, दे लुक्ड वेरी बिलीवेबल एंड दे कैरीड थ्रू देयर कैरेक्टर्स सक्सेसफुली। एक जगह पर भी दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगा दे आर न्यू। निकोस एंड डीट सेकंड्स की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन थी। काइंड ऑफ कैमरा वर्क हैज बीन डन इन द सॉन्ग सीक्वेंसेस That added lot of energy in those songs. अलग अलग कैमरा मूवमेंट से जो विजुअल इफेक्ट क्रिएट किया गया है वो देखकर डेफिनेटली आपको मजा आएगा। कोरियोग्राफी फॉर दिस फिल्म वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गणेश हेगड़े हैज डन रिमार्केबल जॉब इन दैट डिपार्टमेंट। इस फिल्म में बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। देखिए इस फिल्म के सारे किरदार ऐसा लगेगा कि गानों के लिए तैयार बैठे हैं। कब गाना शुरू होगा? ये बिगिया सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब भैन मिलके पागल बना रहे हैं। जबरदस्ती गानों को घुसाया गया है। एक्चुअली सॉन्ग्स विल डिस्टर्ब यू मेनी ओकेशंस इन दिस फिल्म। फिल्म बहुत ही स्लो है, फर्स्ट हाफ तो स्लो है ही, इवन सेकंड हाफ भी स्लो है। नेक्स्ट सुहाना खान्स एक्टिंग एंड लुक। नॉर्मली मैं लुक को लेकर ज्यादा बातें नहीं करता हूँ लेकिन आई मस्ट से शी डिड नॉट लुक गुड ऑन स्क्रीन। काइंड ऑफ हेयर स्टाइल वाज गिवन टू हर दैट मेड लुक इवन ऑकवर्ड बिकॉज बहुत सी जगहों पर हर आईज वेयर नॉट विजिबल क्लियरली। एक्टिंग में कंसिस्टेंसी नहीं दिखी, बहुत सारी जगहों पर ऐसा लगा शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। सो सुहाना खान इज बिग डिसअपॉइंटमेंट इन दिस फिल्म। नेक्स्ट मेकर्स ने अपनी पॉलिटिकल को प्रमोट करने की कोशिश की है और वो भी एक ऐसी फिल्म में जो एक म्यूजिकल ड्रामा है। सरकार कैसे मीडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके न्यूज के बदले प्रोपेगेंडा करती है, उसको ब्रिटिशर्स से जोड़ देना और आजादी के टाइम से रिलेट कर देना कहीं ना कहीं एक मिस एडवेंचर लगी। इट सीम लाइक प्रोपेगेंडा सरकार की कम और मेकर्स की ज्यादा है। ये तो टट्टी है। अगर आप पॉलिटिकल मुद्दों पर फिल्म बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बना सकते हो, बहुत सारी फिल्में बनती है, लेकिन जब आप आर्ची कॉमिक के ऊपर एक म्यूजिकल ड्रामा बना रहे हो तो उसमें क्यों पॉलिटिक्स घुसा रहे हो? 40 करोड़ में बनी ये फिल्म OTT Netflix पर 7 दिसंबर रिलीज हुई थी। ओवरऑल मेरी तरफ से इस फिल्म को 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। फिलहाल मेरे वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।